ओपन टॉक के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं निखिल कपूर आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, एक ऐसे प्रश्न के साथ जिस प्रश्न को लेकर शायद हम सब जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हम ना तो किसी से जानना चाहते हैं ना पूछना चाहते हैं, और इस प्रश्न के साथ ही चले जाते हैं। बहुत से लोगों ने इस प्रश्न के जवाब भी पाए हैं, हमने उनको पढ़ा भी है, उनको माना भी है, लेकिन क्या वास्तव में हमने उनको समझा है, उनके जवाब को अपने जीवन में उतारा है? शायद नहीं। और ये प्रश्न है धर्म पे। जी हाँ, धर्म वास्तव में क्या है, कभी सोचा है आपने? ये एक प्रश्न अपने आप में और कितने प्रश्नों को जन्म देता है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य हिमानी शास्त्री जी, जिनके बारे में कुछ कहना अपने आप में एक ग्रंथ की रचना करना होगा। आचार्य हिमानी शास्त्री एक ज्योतिष एवं वैदिक देव स्थापति, मंदिर एवं प्रतिमा निर्माण की विशेषज्ञ होने के अलावा मैत्री संस्थान की अध्यक्ष, हिंदू मंदिर उत्थान एवं पुनर्निर्माण ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके अलावा ये प्रणेता हैं प्राचीन मंदिर उत्थान एवं पुनर्निर्माण संकल्प यात्रा की, जो कि एक विश्वव्यापी यात्रा है। इसके अलावा आचार्य जी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में यहाँ कहना बहुत मुश्किल होगा। जितना आप इनको जानेंगे उतना ही आप पाएंगे कि इनका ज्ञान कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। हिमानी जी नमस्कार। नमस्कार निखिल जी, आप यहाँ आए इससे ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। नहीं, ये सौभाग्य मेरे लिए है कि एक बहुत ही सार गर्भित विषय पर, गंभीर विषय पर बात करने के लिए निखिल जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए सौभाग्य है। हिमानी जी, बस वही है कि कुछ चीजें हैं ऐसी होती हैं जीवन में जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो, और ऐसे लोगों से करना चाहते हो जो वास्तव में उसके बारे में आपको जवाब दे सके और खुलकर जवाब दे सके। मनीष जी, बचपन से और स्पेशली इस उम्र में आके एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि धर्म वास्तव में क्या है। अगर मैं सोचता हूँ कि जो धर्म मैं फॉलो कर रहा हूँ वो धर्म है, तो वो तो मेरे शरीर का धर्म है, क्योंकि जब शरीर आया तो वो धर्म साथ में आया। तो अगर वो शरीर का धर्म है तो आत्मा का धर्म क्या है, क्योंकि आत्मा तो बार बार हर अलग अलग परिवेश में हर अलग अलग रूप में आती है, तो उसका धर्म क्या होता है? वैसे तो देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में निखिल जी ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न बन के रह गया, लेकिन अगर समझदारी से इस विषय पर चर्चा की जाए तो आप और मैं एक चीज़ समझेंगे कि ये बात सच है कि हमें उसी धर्म का अनुयायी मान लिया जाता है जिस धर्म में मेरा और आपका जन्म हुआ है। हमें एक बाध्यता दे दी जाती है कि तुम्हें वही मानना है जिस जगह पे आपका जन्म हो चुका, किसी भी धर्म में, जहाँ भी हिंदू है, इस्लाम है, सनातन है, जैन है, बौद्ध धर्म है, कोई से भी धर्म आप उठा लीजिए। परिवार का दबाव, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट वातावरण का दबाव ये रहता है कि आप इसी धर्म को फॉलो कीजिए। लेकिन आप कभी सोच के देखिए कि हमारा जो इतिहास है, मानव का जो इतिहास है, जब ये कुछ भी नहीं था, जब मनुष्य बोलना भी नहीं जानता था, उस समय कौन सा धर्म था? यहाँ पे हमारा सबसे पहला धर्म होता है हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना, हमारे शरीर को जीवित रखना, उसे सुचारू स्वस्थ रखना। तो अब यहाँ तो धर्म की परिभाषा ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि साहब, क्योंकि मनुष्य ने एक विकसित दौर पूरा मतलब ये मान लीजिए एक लंबी यात्रा कर ली है हमने, तो जब ये यात्रा कर ली है तो हम लोग जातियों में बट गए, हम लोग अलग अलग धर्मों में बट गए, हम रंगों में बट गए, तो ये विकास है। एग्जैक्टली, तो ये एक बड़ा अजीब सी परिस्थिति बन गई है मेरे और आपके सामने कि अगर हम बहुत गंभीरता से इस प्रश्न को रखते हैं या इस गंभीरता से इसके समाधान पर चर्चा करते हैं तो जाने अनजाने हमें विरोध भी सामना करना पड़ता है। जाने अनजाने क्या करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आत्मा की बात कहें तो आत्मा का तो कभी ना कोई रंग होता है और ना ही कोई धर्म होता है। और बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पर से जो हम बातचीत शुरू कर रहे हैं निखिल जी, मैं आपको और आपके व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये व्यक्तिगत विचार है मेरा, किसी भी विषय से, किसी ग्रंथ शास्त्र के रेफरेंस में मैं कोई बात नहीं कहूंगी, क्योंकि उससे फिर वो एक बात भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक आम इंसान के
हिसाब से, किसी एक पर्टिकुलर जाति के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, एक इंसान होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं। जहां तक धर्म की बात है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि धर्म उसे मान लिया गया है जो जन्म से जुड़ा हुआ है। मेरा और आपका जन्म जिस धर्म में हुआ वो ही हमारा धर्म है। अब रीति नीति कर्तव्य अधिकार सभी उस धर्म के इर्द गिर्द आ जाते हैं, लेकिन अगर उन सबसे उठकर हम देखें, मैं और आप देखें, तो मनुष्य का सबसे पहला धर्म होता है अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, यानी उसको स्वस्थ रखना। अगर मैं आपके प्रश्न को आगे पीछे की बात करूं, तत्वों के आधार पर बात जब वर्गीकरण किया गया, किसी भी वेद को लिखने से पहले, शास्त्रों को लिखने, उपनिषदों को लिखने से पहले, मनुष्य के किसी भी इतिहास को लिखने से पहले, ये तीन तत्व ही तो थे। सबसे पहले अग्निपुंज से जब पृथ्वी अलग हुई, तो जब तक वायु तत्व लेकर उनको भ्रमण करता रहा, पृथ्वी आग का गोला बनी हुई थी, तब मनुष्य कहाँ था और मनुष्य का ये धर्म कहाँ था। जब जल तत्व ने प्रवेश किया, तब यहाँ से हमारी पृथ्वी शांत होना शुरू हुई। वसुधा के शांत होने के बाद मनुष्य और प्रकृति का उद्भव हुआ। मनुष्य ने एक लंबी यात्रा तय करी, सूझ समझ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सभी पशुओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। जहां तक एक प्रश्न आता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम इसी बात पे आगे खींचते हैं इस मुद्दे को, धर्म की उत्पत्ति की व्यवस्था तब आई जब हमें ये समझ में आया कि मनुष्य अपने सुख, अपनी भौतिकता को पूरी करने के नाम पर सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। देखिए, अगर एक पशु है, शेर है, जंगल में सभी पशुओं को खा लेता है, वहां तक बात समझ आती है कि ठीक है, उसमें पशु है, उसमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। पर मनुष्य में समझ आने के बाद भी अगर वो ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे मनुष्यों को बेवजह का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो वहां पे उन्हें रोक नियंत्रण करने के लिए, कानून नियम संविधान बनाने के लिए हमें धर्म की स्थापना करनी पड़ी, हमें मतलब हमारे पूर्वजों को। तो इतिहास में धर्म की उत्पत्ति का कारण सबसे पहले यही रहा कि सही और गलत समझाया जाए। तो धर्म को आप और मैं सिर्फ और सही और गलत पे रख लेंगे ना, तब भी हमारा जीवन काफी सुखी हो जाएगा। परंतु अब आज जो धर्म का हाल हो रहा है, उसको देख के आपको ये नहीं लगता कि हम वापस उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि धर्म के नाम पे हर वो काम करना जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था? हम कट्टरता का विरोध करते करते कट्टर हो रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ठीक है कि हमने बहुत अत्याचार सहे, ये भी सच है कि हमने एक लंबे समय तक किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं लेते अपन बीच में यहाँ पे, लेकिन हाँ फिर बोलूंगी कि बहुत ज्यादा किसी का जब दबाया जाता है ना ऊर्जाओं को, जैसे मुगलों ने हम पर आक्रमण किए, अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किए, ये सारे आए और फिर हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो हमें आदतन विरोध करते करते अपने विरोधी जैसे ना हो जाएं, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी इसके बारे में कहती है, कई बार शत्रुता बहुत लंबी चल जाती है तो आप स्वयं शत्रु जैसे हो जाते हैं। और यही हमको ध्यान रखना है कि हम वो रहें जो एक्चुअली में हमें बना के भेजा गया था।